आप बार बार आमिर की बात कर रही हैं मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था सिपॉफ के टाइम पर हाँ। तो आपने बोला कि आमिर चाहते थे शायद उसमें या आ, किसी ने बोला आपसे मैं ऐसा क्लियर नहीं हूँ उसको तो आपने बोला कि आमिर को लेके आएंगे हम इसमें प्रोजेक्ट में हाँ। तो ये नुकसान पहुँचाएगा प्रोजेक्ट को इसको भी ले आपका यही था कि हाँ। एक्टिंग नहीं तो ये क्या रिजर्वेशन है आमिर को लेकर और धोबी घाट आपने उनको ही लेके बनाई थी वेल well, एक्चुअली इस फिल्म में आ, आमिर आमिर की हमने टेस्ट भी की एक ऑडिशन भी लिया था और वो बहुत ऑब्वियसली अच्छा ही किया उन्होंने लेकिन आ, दो वजह थी एक तो ये था कि हमें लगा कि आमिर का रहना थोड़ा इम्बेलेंस हो जाता है प्रोजेक्ट वो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस कुछ और सेट हो जाते हैं आपकी एक आ, इच्छा होती है उनको कुछ हीरोइक करते हुए देखने सबकॉन्शियसली ये नहीं है कि लोग तो उनको अलग अलग रोल्स में देखने के आदि हो गए हैं लेकिन एक एक्सपेक्टेशन का आप कुछ नहीं कर सकते सबकॉन्शियसली क्योंकि हैं इतने बड़े स्टार तो ये एक बात थी पर दूसरी वजह ये थी कि हमें लगा रवि किशन जी बहुत ऑर्गेनिकली नेचुरल उस उस मिट्टी के लगते हाँ मतलब मुझे लगता है रवि किशन की जगह पे आमिर फिट उस तरह से बैठते नहीं हाँ एक एक, एक नेचुरल फिट हो जाता है एक्चुअली उनका क्योंकि एक्टर आमिर भी बहुत अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं लेकिन ऑर्गेनिकली रोल को वो बहुत अच्छे फिट होते होते हैं मुझे लगा था। बहुत अच्छी है हाँ तो आमिर को भी यही लगा एक्चुअली हम लोगों ने फिर बाद में जब तोला इस मुद्दे को तो वी केम टू द सेम कंक्लूजन हम लोग दोनों एक ही आ, सहमत थे कि उनको ही करना चाहिए और आमिर भी बहुत खुश है कि रवि जी ने किया